हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सनल। अभी डिस्कशन करेंगे लूनार रिकॉनेंस ऑर्बिटर। सो बेसिकली इसका नाम जो है LRO है। ये देखिए, इसका फोटो ये है। ये मून के ऊपर घूमता देता है। ओके, मून के ऊपर ही घूम के पूरा लटा देता है। सो इसका नाम है लूनार रिकॉनेंस ऑर्बिटर। चलिए देखते हैं। सो ये है इसका फोटो। ये अर्थ है, ये मून है, ये हो गया LRO। सो बेसिकली अभी न्यूज में किस लिए है, इसरो अटेम्प्ट टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड टू चंद्रयान 2 विक्रम विल गेट ए बूस्ट व्हेन द नासा लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर LRO फाइल टू द लैंडर्स लैंडिंग साइट ऑन द मून। सो बेसिकली अभी जो रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 2 को मिशन को किया था, उस टाइम में उसका जो संपर्क कट गया था, ओके, कनेक्शन कट गया था, लैंड नहीं हो पाया था अच्छी तरह। ओके, सो सॉफ्ट लैंडिंग जो होना था तो हार्ड लैंडिंग हो गया था, तो इसलिए कनेक्शन टूट गया था विक्रम के साथ। तो बेसिकली अभी इसरो चाहता है नासा से, नासा का जो LRO है लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर, तो उससे सहायता लेगा। तो नासा विल शेयर द एनी बिफोर एंड आफ्टर द फ्लाई ओवर इमेज ऑफ द एरिया अराउंड द टारगेटेड चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर लैंडिंग साइट। सो नासा अभी क्या करेगा ना, प्रोवाइड करेगा फोटोज इमेज, ओके, क्या हुआ था बेसिकली, क्या व्हाट हैपेंड। ओके, सो लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर जो है ये क्या है, एक्चुअली ये एंड द लूनर क्रैटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट मिशंस बिगन ऑन 18 जून 2009। ये बेसिकली 2009 से स्टार्ट है, जून महीने में 18 तारीख से इसको लॉन्च किया गया था LRO को, लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर को। सो ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। ये इसका काम जो है अभी प्रेजेंटली क्या कर रहा है ना, ऑर्बिटिंग द मून्स, मून्स के ऊपर ऑर्बिटिंग कर रहा है, मीन्स मून के ऊपर वो घूम रहा है। सो इट स्टडीज द मून सर्फेस। सो बेसिकली इसका काम जो है ये मून का सर्फेस को स्टडी करना, क्लिक्स द पिक्चर्स, जितना पिक्चर्स है वहाँ का पिक्चर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो पिक्चर क्या है नासा को सेंड करेगा। एंड द कलेक्टेड डाटा हेल्प इन द फिगर्स आउट द प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द वाटर आइस एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द मून एज वेल एज द प्लान फ्यूचर मिशन टू इट। सो बेसिकली क्या है, ये इसका जो काम है मैंने बता दिया आपको, फोटो क्लिक करना एंड डाटा सेंड करना, एंड क्या करना, प्रेजेंस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द वाटर आइस को क्या है ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या है इन्फॉर्मेशन देगा, तो सो देट हम क्या करेंगे ना, फ्यूचर मिशन के लिए हम प्लान कर सकते हैं। सो प्राइमरी मिशन ऑफ द LRO मैनेज बाय द नासाज गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर लोकेटेड इन द ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड वाज द मेजर द एंटायर लूनर सरफेस टू क्रिएट ए हाई रिजोल्यूशन 3D मैप ऑफ द मून। सो बेसिकली जो जो पहला जो काम किया था वो कौन, LRO मीन्स लूनर रिकॉनेंस और जो ऑर्बिटर है वो काम किया था क्या ना, 3D पिक्चर दिया था किसका ना, मून क्या दिया था। सो द मैप जो दिया था उसने 50 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन इमेजेस वुड एड द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर ऑर्बिटिक एंड क्रूड द मिशंस एडिशन LRO वुड द मैप पोलर रीजन्स एंड सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ द वाटर आइस। ओके, LRO बहुत काम कर रहा है वहाँ पे पोलर रीजन में, वो सर्च कर रहा है वाटर प्रेजेंस ऑफ द वाटर आइस का। सो मिशन क्या है इसका, द मिशन हैज प्रोवाइडेड टेक्निकल इनोवेशन एंड मेड सरप्राइजिंग द डिस्कवरीज that have changed our view of the moon. The instrument on board of the spacecraft return to global data such as day night temperature maps, global geodetic grid, high resolution color imaging, moon's UV albedo, ye sab deta hai. Okay, it is estimated to LRO has fueled enough to stay on the mission for at least 6 more years. अभी क्या है, और 6 साल तक रहेगा। सो बेसिकली अभी न्यूज़ में इसलिए है, इसका अभी नाम इसलिए आया है, 2009 में तो इसको लॉन्च किया था, इसका तो काम कर रहा था, बट अभी फिलहाल अभी आया इसके लिए, क्योंकि इसरो चाहता है क्या, नासा से LRO के सहायता से कुछ इमेज दिखाएगा किसका ना, विक्रम जो लैंडिंग साइट का। सो क्या हुआ था विक्रम का, सॉफ्ट लैंड जो हार्ड लैंडिंग हुआ था, क्या हुआ था, तो बेसिकली ये सब फोटो दिखाएगा। ओके, थैंक यू।